9:31 हुए हैं और व्लॉग का आउटपुट अभी तक नहीं निकला है, स्टिल वेटिंग। व्लॉग निकल जाए, अपलोड कर दे, उसके बाद में नाश्ता करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है निष्काम भाटिया, आप देख रहे हैं निष्काम भाटिया व्लॉग्स। अभी इस वक्त सुबह के 10:30 बज रहे हैं, नाश्ता हो चुका है। फिलहाल व्लॉग अपलोड करने के बाद में मैं बैठ रहा हूँ फिर से काम करने के लिए। आई नो आज सैटरडे है, बट जब आप खुद से काम कर रहे होते हैं तो देयर इज नो वीकेंड। आम पन्ना बट विदाउट लेमन। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है 2:45, काम कंप्लीट कर लिया मैंने। लंच में आपको मैं दिखाता हूँ अभी क्या बना है, लेकिन उससे पहले जो सबसे मेन काम है कूलर में पानी भरना, पहले वो कर लेता हूँ मैं। और आज कसम से इतनी नींद आ रही है ना, क्योंकि सुबह उठ गया था मैं जल्दी एडिटिंग करने के बाद में, हल्का हल्का नींद आई जा रही है, आई जा रही है, पता नहीं। सबसे पहले जो ये हमारा काम है इसको कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे छिपकली दिखी थी, हमेशा सुबह मिर्सा जी की होता ही है। अब मैंने दोस्त मान लिया वैसे छिपकली को, क्योंकि रात को भी मैं आता हूँ ना काम करके इस रूम में सोने के लिए, यही की घूमरी होती है, देखकर मुझे छुप जाती है। अब हमारी दोस्ती हो चुकी है, अब डरता वरता नहीं हूँ मैं। तेरा तो गेम बचाना पड़े, वो अपने काम से काम रखे और मैं अपने काम से काम रखूँ तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, राजस्थान की एक और कुकुम्बर टाइप चीज, दिस इज नोन एज बंगला, अगेन सिमिलर टू खीरा एंड ककड़ी जो मैंने आपको दिखाई थी। कैसा शेप है यार इसका, बट ये ना खीरे जितना जूसी नहीं होता है, थोड़ा सा सूखा सूखा होता है, बाकी टेस्ट ही वैसा ही होता है, खीरे जैसा ही टेस्ट आता है ऑलमोस्ट। और आई थिंक ये भी राजस्थान में मिलता है और पंजाब साइड में, हरियाणा में मिलता होगा, हाँ दिल्ली में मुश्किल से मिलता है, मतलब मिल जाता है वैसे मुश्किल से मिलता है। पर इसका नाम बंगला किसने रखा होगा, जैसे राजस्थान में एक शहर का नाम है पीली बंगा, काली बंगा, वैसे इसका नाम बंगला। कुछ भी ना भर गया भैया, ये देख रहे हो इसके पीछे छुपी है अभी जाके, जस्ट मैंने देखा अभी। ऐसा लग रहा है समझने लग गई अब वो मुझे कि जब मैं आता हूँ तो भाग जाती है। कूलर भर चुका है, जल्दी से बंद करना पड़ेगा। और आज लंच में बना है न्यूट्री की सब्जी, साथ में आलू शिमला मिर्च है, सलाद है। तो अभी टाइम हो रहा है 6:45 एंड मैं जा रहा हूँ वॉक पे बड़े दिनों के बाद में। मौसम देख लेते हैं फिलहाल बाहर का, ठीक ठाक है, गर्मी है हल्की फुल्की बट ठीक है। वॉक पर जाने है यार, वॉक नहीं छोड़नी है। आप बना लो चलो, लेट्स गो। Thank you.
अभी वापस आया हूँ मैं वॉक से, काम करने बैठ रहा हूँ फिर से, और साथ में चालू कर देते हैं IPL यहाँ पे। तो राइट नाउ 8 बज चुके हैं, मैंने व्लॉग जो है अपना आधा एडिट कर दिया है, आधा मैं सुबह एडिट करता हूँ। उसका रीज़न क्या है कि पूरे दिन में ना और बहुत सारे काम होते हैं, तो जो व्लॉग के अंदर टाइटल्स और म्यूजिक वगैरह डालने वाला होता है और जो कट्स होते हैं छोटे मोटे इधर उधर वाले, जिससे व्लॉग की पेसिंग अच्छे से बनी रहे और ज़्यादा बोरिंग ना लगे व्लॉग, तो उस चीज़ के लिए मैं सुबह सुबह करता हूँ, क्योंकि सुबह सुबह फ्रेश माइंड के साथ में एडिटिंग होती है और मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं अपना आपको एक्सप्रेस कर पाऊंगा अगर मैं सुबह अच्छे से म्यूजिक वगैरह डालूंगा व्लॉग्स के अंदर। क्योंकि व्लॉगिंग एट दी एंड है कि आपने थॉट्स को वीडियो के थ्रू एक्सप्रेस करना आपके साथ में, डेली कुछ ना कुछ इस चीज के साथ में मैं सीख रहा हूँ। मुझे सबसे बड़ा रिग्रेट अभी इस वक्त का इस चीज का हो रहा है कि ये व्लॉग से ये मैंने पहले क्यों नहीं शुरुआत की है। अब नॉर्मली क्या होता है, जब मैं रात को सोने जाता था, जब पहले व्लॉग शूट नहीं करता था, तो दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते थे कि ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, और भी कुछ नई चीज़ें सीखी होती थी, वो सब दिमाग में घूमती रहती थी। अब वो सारे थॉट्स को मैं वीडियो के अंदर डंप कर सकता हूँ और इंटरनेट पर शेयर कर सकता हूँ हर किसी के साथ में, और साथ ही साथ जिस चीज़ का मुझे शौक है उसी के थ्रू मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ। देयर इज नथिंग बेटर देन दैट। जिंदगी में अगर मुझे कुछ एक चीज सीखनी है तो वो है कि इन छिपकलियों से कैसे छुटकारा पाया जाए। मैं घुसा नहाने के लिए और इस गेट के पीछे एक छिपकली है। अंदर से देखूं, मुझे लगता है भाग गई। तो आज हनुमान जयंती और मम्मी लेकर आए हैं अभी प्रसाद। इस वक्त बज रहे हैं 9 और डिनर रेडी है। क्या बनाया है? येलो दाल, रोटी, पापड़ और सैलेड। अभी डिनर करते हैं, डिनर करके खेलेंगे पबजी और उसके बाद खाएंगे आइसक्रीम। मम्मी को पड़ी हुई है डिब्बे की, डिब्बा सुंदर है। तो आइसक्रीम से कोई लेना देना नहीं, हमारे पास स्कूप नहीं है तो ये हमने स्कूप बनाया अपना। सबको दिखता थोड़ी है, ये हमारा देसी स्कूप, लीजिए वापस टेस्ट कीजिए। देखो ना अंदर है जो फ्रूट्स, बहुत खूब बढ़िया टेस्ट तो है। पापा ने तो प्रूव कर दी, टेस्ट करके देखा जाए। एक बार अपने खाई थी वहाँ, ये तो कुछ तो आया है ऑफिस में। आपको अच्छी लगेगी? लगेगी। जामुन के हैं ना इसमें, वो जामुन भी आ रहा है, कुछ तो आया।